हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सलवार की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सलवार बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है और कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को कुछ इस तरह से फोल्ड किया है, पहले लेंथ वाइज फोल्ड कर लिया है और फिर इसे विड्थ वाइज फोल्ड कर दिया है। तो ऐसे ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। आपको भी इस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम नीचे की तरफ 2 इंच पर एक मार्क लगा देंगे, यहाँ पर हमारे सलवार की मोहरी फोल्ड होगी। अब हमने नीचे मोहरी का निशान लगा दिया है। अब हम सलवार की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो सलवार की टोटल लेंथ है 40 इंच, तो उसमें से हम 7 इंच माइनस करेंगे बेल्ट के लिए। तो ऐसे हम ऊपर से 7 इंच का बेल्ट के लिए 7 इंच छोड़ते हुए नीचे की तरफ हम 40 इंच और आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए देते हुए 40.5 इंच पर मार्क लगा देंगे। तो ऐसे यहाँ पर जो मैंने पूरी लंबाई ली है, इसका मेजरमेंट है 35 इंच, तो ये 35 इंच की लंबाई मैंने ली है। और यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम सामने की साइड आसन का निशान लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर जो ओपन साइड है वहाँ पर आसन का निशान 9 इंच पर लगा देंगे और चौड़ाई रखेंगे 1 इंच। इस तरह से एक बॉक्स बना देंगे और फिर गोलाई का निशान देके आसन की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम गोलाई का निशान इसलिए देते हैं ताकि आसन एरिया में कोई खिंचाव ना हो और इसे अटैच करते वक्त कोई झोल ना आए। अब हम मोहरी की चौड़ाई का नाप लगाएंगे 7.5 इंच पर। तो 7.5 इंच पर हमें निशान लगा के क्रॉच एरिया के एंड से इसे जॉइंट कर लेना है कुछ इस तरह से और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से सलवार की मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो अब हम यहाँ पर सलवार के घेर पर मिडल पॉइंट पर इस तरह से कट लगा देंगे और ये जो ट्रायंगल पीस बचे हैं उसमें से हम बेल्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर सलवार की बेल्ट बनाने के लिए आपको अभी इसमें कोई भी कटिंग नहीं करनी है। इस तरह से एक ट्रायंगल पीस को ले लेना है और इस तरह से रखना है और फिर दूसरे पीस को लेकर इस तरह से रख के हमें इसे बस स्टिच कर लेना है। तो ये एकदम स्क्वायर जैसा बन जाएगा जिससे आपका कपड़ा भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। तो इसे अब हम जॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल पीस ले लिया है और जिसकी तिरछी साइड है उसी तरफ से हमें इसे अटैच करना है। जो सीधी साइड बनती है वहाँ पर अटैच नहीं करना है। तो एक तरफ इसका छोटा पार्ट है तो हम सामने की तरफ बड़ा पार्ट लेंगे और दोनों तिरछी साइड को मिलाते हुए इसे जॉइंट कर लेंगे। अब इसे आगे की तरफ टर्न करके इसके ऊपर भी एक और सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर ये एकदम सीधा कपड़ा बन चुका है। तो अब हम इस पर अपनी बेल्ट की मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हिप की गोलाई है 44 इंच, तो उसमें हम 4 इंच प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 48 इंच। तो उसे हम
अब 4 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 13 इंच। तो हमें इसकी चौड़ाई रखनी है 13 इंच और लंबाई रखनी है 9 इंच। 7 इंच की हम बेल्ट बनाएंगे और 2 इंच सिलाई में जाएगा। इस तरह से हमें बेल्ट की मेजरमेंट ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर अब बेल्ट की प्रॉपर कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें बेल्ट के दोनों पीस को जॉइंट कर लेना है और अब हमें यहाँ पर बेल्ट की पूरी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेनी है। मैंने इसकी प्रॉपर स्टिचिंग काफ़ी सारे वीडियो में बताई है, इसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी। तो अब हम ऊपर से डोरी के लिए इस तरह से पट्टी फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर बेल्ट की पूरी स्टिचिंग हो चुकी है। अब हमें बेल्ट को 4 पार्ट में कट लगा के यानी कि निशान लगा। तो अब यहाँ पर मैंने जो घेर वाला पार्ट था उसे ले लिया है और दोनों सीधी साइड को आमने सामने रखते हुए इसे हम आसन से जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट्स को आसन से जॉइंट कर लिया है। अब घेर का और बेल्ट का मिडल पॉइंट को मिलाते हुए रख दिया है और हमें इसमें प्लीट्स बनानी है। प्लीट्स हम सिर्फ साइड्स में बनाएंगे, बीच में नहीं बनानी है। तो देखिए यहाँ पर घेर के आसन वाले पार्ट को हम बेल्ट के जो मिडल पार्ट था वहाँ पर हम इस तरह से मिला देंगे और फिर इस पर हमें प्लेट्स बनानी है। तो यहाँ पर मैंने घेर का और बेल्ट का मिडल पॉइंट मिला दिया है और 6 इंच पर एक निशान लगा दिया है। यहाँ तक हमें सीधी सिलाई लगानी है, वहाँ तक हमें कोई प्लेट्स नहीं बनानी है। और यहाँ से हमें बेल्ट का जो दूसरा पार्ट आएगा जहाँ पर हमें कट लगाया था वहाँ तक हमें प्लेट्स बनाते जाना है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से प्लीट्स लगाते जाना है और फिर जो कट आया वहाँ से आगे भी हमें प्लीट्स बनाते जाना है। तो हमें यहाँ पर तब तक प्लीट्स लगाते जाना है जब तक घेर का पीछे वाला पार्ट और बेल्ट का पीछे वाला पार्ट बराबर ना आ जाए। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक साइड की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। मैंने सिर्फ साइड में प्लीट्स लगाए हैं, बीच में कोई प्लीट्स नहीं लगाए हैं। तो आपको सेम यही प्रोसेस सामने की साइड भी रिपीट करना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। अब आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है ताकि प्लीट्स अच्छे से बैठ जाए। देखिए तो ये सिलाई कुछ इस तरह से दिखेगी। अब हम मोहरी की स्टिचिंग कर लेंगे। तो अब इसे डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी सिलाई लगा के मोहरी तैयार कर ली है। अब इस पर मैंने 7 इंच पर निशान लगा दिया है और अब इसे हम जॉइंट कर लेंगे। तो हमें इस तरह से जॉइंट करते जाना है और आप देख सकते हैं आसन पर कोई भी खिंचाव नहीं हो रहा है और एकदम सीधा जॉइंट हो रहा है। तो इस तरह से ये सलवार तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।